दोस्तों अगर आप भी विजय शंकर के विस्फोटक बल्लेबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप नीतीश राणा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। IPL 2023 का 13वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। तो आखिरकार गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों ने किस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया उसका पूरा हाईलाइट दिखाएंगे और साथ ही साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले पूरे हाईलाइट का भी वीडियो दिखाने वाले हैं। अतः आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज के मुकाबले में गुजरात ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चूंकि हार्दिक आज बीमार है और उनकी जगह पर राशिद खान गुजरात की कप्तानी कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या की जगह प्लेइंग 11 में विजय शंकर को शामिल किया गया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स में दो बदलाव हुए जहां पर लागी फर्ग्यूसन और इयान जगदीशन को मिली प्लेइंग 11 में जगह। वहीं रिद्धिमान शाह और सुमन गिल गुजरात टाइटन्स की तरफ से ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और रिद्धिमान शाह और सुमन गिल ने गुजरात को अच्छी शुरुआत दी जहां पर पहले दो ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 17 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए जहां पर 14 रन सिर्फ बल्ले से आए और 3 रन एक्स्ट्रा आए जहां पर शाह 6 और गिल 8 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस को रिद्धिमान शाह के रूप में पहला झटका लगता है जहां पर सुनील नारायण ने शाह की पारी को 17 रन पर ही खत्म कर दिया और 5 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन हो जाते हैं। शाह के आउट होने के बाद क्रीज पर साई सुदर्शन आते हैं बैटिंग करने के लिए। वहीं टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की टीम ने पावर प्ले में 54 रन बना लिए थे और रिद्धिमान शाह के रूप में 1 विकेट खोया। वहीं क्रीज पर सुमन गिल 20 और साई सुदर्शन 5 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं और 6वां ओवर गुजरात टाइटन्स के नाम पर रहा जहां पर 6वें ओवर में सुमन गिल ने वरुण चक्रवर्ती को 3 शानदार चौके लगा दिए। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने वाली गुजरात टाइटन्स ने पहले 10 ओवर के ही अंदर ही 88 रन लगा दिए जहां पर गुजरात की तरफ से रिद्धिमान शाह 17 के रूप में पहला झटका लगता है। वहीं सुमन गिल 36 और साई सुदर्शन 22 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ ही गुजरात टाइटन्स को सुमन गिल के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगा जहां पर गिल 39 रन बनाकर सुनील नारायण का ही शिकार बनते हैं जहां पर सुनील नारायण ने ही रिद्धिमान शाह को भी आउट किया था और 12 ओवर की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन हो जाते हैं। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर अभिनव मनोहर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और वहीं सुमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अभिनव मनोहर ने आते ही उमेश यादव के ओवर में 3 शानदार चौके जड़ दिए और उमेश यादव के उस ओवर में कुल 14 रन आ गए और इसी के साथ ही गुजरात का 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 115 रन हो जाते हैं। वहीं गुजरात टाइटन्स की पारी के 15 ओवर खत्म हो जाते हैं जहां पर गुजरात ने 3 विकेट खोकर 132 रन बना लिए थे। वहीं क्रीज पर साई सुदर्शन 46 रन और विजय शंकर 7 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे ले जाने का काम करते हैं। वहीं KKR की तरफ से 2 विकेट सुनील नारायण ले चुके हैं जबकि 1 विकेट सुरेश शर्मा ने ले लिया और वहीं गुजरात टाइटन्स को साई सुदर्शन के रूप में 4वां झटका लगता है जहां पर सुदर्शन 53 रन की पारी खेलकर सुनील नारायण का शिकार बनते हैं। सुनील नारायण ने अपने स्पेल में 33 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं 1 विकेट सुरेश शर्मा को भी मिला और 18 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 159 रन हो जाते हैं। वहीं हार्दिक पांड्या की जगह प्लेइंग 11 में आए विजय शंकर ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली जहां पर विजय शंकर ने शार्दुल ठाकुर के ओवर में 3 शानदार बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का भी जड़ दिया और इसी के साथ ही गुजरात टाइटन्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 205 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया। वहीं डेथ ओवर्स में विजय शंकर की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात की टीम ने आखिरी 5 ओवरों में 72 रन ठोक दिए जहां पर विजय शंकर ने 24 गेंदों में 63 रन की तुफारी पारी खेलकर नाबाद रहे। वहीं 262 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए विजय शंकर ने अपनी पारी में 4 शानदार चौके और 5 बाउंड्री लाइन के बाद छक्के भी लगाए और वहीं KKR की तरफ से सुनील नारायण ने 3 और सुरेश शर्मा ने 1 विकेट हासिल किया। वहीं 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला झटका लग गया जहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज 12 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं मोहम्मद शमी ने गुजरात को पहली सफलता दिलाई जहां पर गुरबाज के आउट होने के बाद इम्पैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और वहीं कोलकाता को जोशुआ लिटिल ने दूसरा झटका दे दिया जहां पर नारायण जगदीशन 6 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन हो जाते हैं और वहीं जीत के लिए 177 रन की अभी जरूरत होती है कोलकाता को। वहीं वेंकटेश अय्यर 7 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं और दूसरे छोर से नीतीश राणा उनका साथ बखूबी निभाते हैं। वहीं 205 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट खोकर 68 रन बना लिए थे जहां पर वेंकटेश 29 और कप्तान नीतीश राणा 18 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं।
और केकेआर की टीम की जीत के लिए अभी भी 72 गेंदों में 137 रन की आवश्यकता होती है और वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन हो जाते हैं, जहां पर वेंकटेश अय्यर 40 और नीतीश राणा 25 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए होते हैं और दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। वहीं केकेआर को अभी भी जीत के लिए 57 गेंदों में 117 रन की आवश्यकता होती है। वहीं 12 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 116 रन हो जाते हैं, जहां पर वेंकटेश अय्यर 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं नीतीश राणा के साथ उनकी साझेदारी 90 रन की हो गई, जहां पर नीतीश राणा 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और वहीं अब केकेआर को जीत के लिए 48 गेंदों में सिर्फ 89 रन की आवश्यकता होती है। वहीं 205 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स की मुश्किलें फिर बढ़ रही है, जहां पर कप्तान नीतीश राणा 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां अल्जारी जोसेफ ने राणा का विकेट लिया और केकेआर को अभी भी जीत के लिए 40 गेंदों में 77 रन की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ ही 15 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 149 रन हो जाते हैं, जहां पर वेंकटेश अय्यर 37 गेंदों में 79 रन बनाकर नाबाद होते हैं और उनके साथ रिंकू सिंह 2 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे ले जाते हैं। वहीं केकेआर को अभी भी जीत के लिए 30 गेंदों में सिर्फ 56 रन की आवश्यकता होती है और वहीं कोलकाता की तरफ से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर 83 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसी के साथ गुजरात की मैच में वापसी हो गई, जहां पर वेंकटेश के विकेट के बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी के लिए आते हैं और केकेआर को अभी भी जीत के लिए 24 गेंदों में सिर्फ 50 रन की आवश्यकता होती है। और अब धीरे धीरे गुजरात टाइटंस और केकेआर के बीच का मुकाबला बेहद रोमांचक होता जा रहा था, जहां पर राशिद खान ने लगातार 2 विकेट लेकर गुजरात टाइटंस की मैच में वापसी कराई। वहीं राशिद ने पहले आंद्रे रसेल को 1 रन पर पवेलियन भेजा और उसके बाद अगली ही गेंद पर सुनील नारायण भी 0 रन बनाकर आउट हो गए और केकेआर को अभी भी जीत के लिए 22 गेंदों में सिर्फ 50 रन की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ ही गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान ने आईपीएल 2023 की पहली हैट्रिक भी अपने नाम कर ली, जहां पर राशिद ने 17वें ओवर की पहली 3 गेंदों के अंदर आंद्रे रसेल जो कि 1 रन बनाकर खेल रहे थे, सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर का विकेट लेकर गुजरात की पूरी तरह से मैच में वापसी करा दी और केकेआर को अभी भी जीत के लिए 18 गेंदों में 48 रन की आवश्यकता होती है, जहां पर आंद्रे रसेल 1, सुनील नारायण 0 और शार्दुल ठाकुर 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसी के साथ ही आईपीएल 2023 के 13वें मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले में रोमांचक की सारी सीमाएं टूट गई, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के जबड़े से जीत को छीन लिया। आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता होती है, जहां पर हर एंगल से यह असंभव लग रहा था, लेकिन रिंकू सिंह ने 5 लगातार छक्के जड़कर इस असंभव को संभव कर दिखाया और केकेआर ने मैच को 3 विकेट से जीत लिया।